अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कौसम मॉम्स किचन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सीताफल का पल्प निकाल के उसे किस तरह से स्टोर कर सकते हो। अभी सीताफल का सीज़न भी है तो बाज़ार में बहुत इजीली सीताफल मिल जाते हैं। आप इस सीताफल के पल्प को निकाल कर स्टोर कर लेंगे तो आप इस पल्प को बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीताफल की आइसक्रीम और सीताफल की रबड़ी और सीताफल शेक। इस तरह के रेसिपीज़ में सीताफल के पल्प को यूज़ कर सकते हैं। सीताफल का पल्प बनाने के लिए इस तरह के बड़े वाले 3 सीताफल हमने लिया है और ये वज़न से आधा किलो सीताफल है। और सीताफल का पल्प बनाने के लिए हम एकदम पके वाले सीताफल का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सीताफल जो है एकदम बढ़िया पके हुए हैं। हम सीताफल को इस तरह से 2 पीसेस में तोड़ लेंगे। सीताफल का पल्प निकालने के लिए हम इस तरह का कोई भी एक बर्तन ले लेंगे और उसके ऊपर हम एक छन्नी रख देंगे। आप कोई भी इस तरह की एक छन्नी ले लीजिएगा या फिर सूप स्ट्रेनर है आपके पास तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पल्प निकालने के लिए। यहाँ पर हमने इस तरह का एक विक्स लिया है या फिर आप एक स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हो सीताफल का पल्प निकालने के लिए। अब हम सीताफल का पल्प निकाल लेंगे। स्पून से हम इस तरह से सारा पल्प निकाल लेंगे। सारा पल्प जो हम छन्नी में डाल लेंगे। पल्प जो है स्पून से बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम इस तरह से सभी सीताफल का पल्प निकाल देंगे। इस पल्प को हम स्टोर करने वाले हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि पल्प में हमारा हाथ बिल्कुल ना लगे। हम इस पल्प को स्टोर करने वाले हैं तो अगर हम हाथों से पल्प को निकालेंगे तो सीताफल का पल्प जो है ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप पल्प को निकालते समय स्पून की मदद से पल्प को निकालिएगा। हम इस तरह से सारे पल्प को विक्स की मदद से प्रेस करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो स्पून या फिर फोक से भी पल्प को प्रेस कर करके निकाल सकते हो। आप देख सकते हो इसके बीज अलग होने लगे हैं। आप इसी तरह से प्रेस कर करके सारा पल्प निकाल लीजिएगा। हमने सीताफल के पल्प को निकाल लिया है, अब हम इसमें से बीज को भी निकाल लेंगे। हम इस तरह से बीज अलग कर लेंगे। हमने पल्प में से सारे बीज निकाल लिया है। देखिए बीज भी कितने साफ निकले हैं। नीचे जो बर्तन में पल्प जमा हुआ है सीताफल का, उसी पल्प में हम छन्नी वाला पल्प भी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सीताफल के चंक्स जो है, हम सीताफल की आइसक्रीम और रबड़ी और शेक जब बनाएंगे तो ये चंक्स जो है सीताफल के खाते समय जब मुंह में आएंगे तो उससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से सीताफल के पल्प को स्टोर कर सकते हैं। आप कोई भी एक एयरटाइट कंटेनर ले लीजिएगा। हम कंटेनर में 1 स्पून शुगर डाल देंगे। अब हम इसमें सीताफल का पल्प डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर भी 1 स्पून शुगर डाल देंगे। शुगर को हम इस तरह से फैलाकर डालेंगे। शुगर जो है रिप्रिजर्वेटिव का काम करेगा यहाँ पर। अब हमारे सीताफल का पल्प स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, हमारे आने वाले वीडियो में हम आपके साथ सीताफल की आइसक्रीम और सीताफल का शेक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आप भी सीताफल के सीज़न में सीताफल का पल्प निकाल के स्टोर करिएगा। आपका कभी भी मन करेगा सीताफल खाने का या फिर सीताफल की आइसक्रीम, तो आप इस सीताफल के पल्प को फ्रीजर से निकाल कर रेसिपी बनाकर खा सकते हैं इजीली। आप इस पल्प को फ्रीजर में 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। हम इसके ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे। आप पल्प को स्टोर करते समय एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करिएगा। अब हम सीताफल के पल्प को फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।